हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीडोके के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन, की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बना रहे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले क्रिकेट का महाकुंभ यानी इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि अब अपने इंडिया स्टेज में आ चुका है, जो कि 55 से ज़्यादा मैच भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब सभी टीम्स के पास बस कुछ ही मैच बचे हुए हैं, ऑलमोस्ट 4 या 5। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले टूर्नामेंट के 56 मुकाबले के बारे में, जो कि एक तरफ ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स है तो वहीं दूसरी तरफ हमें संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स देखने को मिलेगी। दोनों ही टीम इस साल अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, इस सीजन में यह इन दोनों की दूसरी टक्कर होगी। पिछली बार दिल्ली को राजस्थान ने हरा दिया था। दिल्ली जहां अभी प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए स्ट्रगल कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स जो कि प्लेऑफ में जाने से बस एक कदम की दूरी पे है। यह मैच आपको 7 मई को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। तो दोस्तों वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशिंग अपडेट चाहिए तो हमारे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहीं डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। तो आगे बात करते हैं, चलते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड देखते हैं, जहाँ पे दोनों के बीच में टोटल 28 मैच खेले गए, जिसमें दिल्ली 13 मैच जीत के आ रही है तो वहीं पर राजस्थान 15 मैच जीत के आ रही है। तो आगे बात कर देंगे पिच रिपोर्ट देखते हैं, जहां पे इस सीजन का यह तीसरा मुकाबला खेला जाएगा। अब तक यहां पे सभी गेम हाई स्कोरिंग हुए, बैटर्स को यहां पे स्ट्रोक प्लेइंग में इजी होगा, स्पिनर्स को यहां पे फायदा मिलेगा, दूसरी इनिंग में ड्यू फैक्टर भी असरदार होगा। बॉलर्स को पिच से कोई फायदा नहीं है, लेकिन स्पिनर मैच में इंपैक्ट डाल सकते हैं। लास्ट के कुछ मैचों में यहाँ बाद बैटिंग करने वाली टीम ने जीत हासिल की है। तो आगे बात कर देंगे वेदर रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पे मैच के दिन में मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 42% रहेगा और टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो आगे बात कर देंगे विनिंग परसेंट देखते हैं, जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 44% जीतने का चांस है, वही बॉलिंग फर्स्ट का यहाँ पे 52% जीतने का चांस है। तो दोस्तों इसके साथ आगे बढ़ते हैं यानी एवरेज स्कोर देखते हैं, तो जहाँ पे फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर 168 है, वहीं पे सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 151 है। तो आगे बात करते हैं पहली टीम यानी राजस्थान रॉयल्स का शॉट एनालिसिस करते हैं, जहाँ पर राजस्थान की टीम का विजय रथ इस साल रुक ही नहीं रहा, चाहे कैसे भी सिचुएशन हो टीम हार नहीं मानती है, मुकाबला जीत कर आती है। लास्ट गेम में टीम जहाँ पे हैदराबाद से फाइट करते हुए 1 रन से हार गई थी, टीम इस हार से टीम को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, टीम प्लेऑफ में जाने के एक कदम पे दूरी पे। टीम ने अब तक 10 मैच खेले जिसमें से 8 मैच जीत कर टॉप पे स्टेबल, टीम के सभी बैटर अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं। ओपनिंग में बात करेंगे जो कि यशस्वी जायसवाल, जॉस बटलर ठीक ठाक स्टार्ट दे रहे हैं, वहीं पर मिडिल ऑर्डर में संजू सैमसन, रियान पराग जो कि जबरदस्त फॉर्म में दिख रहे हैं। संजू इस वक्त बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं, अब तक वो 385 रन बना चुके हैं। वहीं पर रियान पराग महज 9 इनिंग में उन्होंने 409 रन बना दिए। लोअर ऑर्डर में जहाँ पर शिवन हेटमायर, रॉन पॉल खेल रहे हैं, बॉलिंग में टीम बस 5 रेगुलर बॉलर के साथ उतर रही है, सभी बॉलर विकेट भी ले रहे हैं। वहीं पर 10 बोल्डों की 10 मैच में 10 विकेट लिए हैं। टीम नादरे बर्गर जो कि एक चांस दे सकते हैं, संदीप शर्मा ने 5 मैच में 9 विकेट लिए, वहीं प्रवेश खान ने 10 मैच में 11 विकेट दिए हैं। स्पिन बॉलिंग में अश्विन और चहल है, वहीं अश्विन इस साल अब तक इफेक्टिव नहीं दिखे, चहल ने 13 विकेट के साथ इस समय टीम के टॉप विकेट टेकर भी है। तो आगे बात करते हैं स्थान का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि यशस्वी जायसवाल है, जॉस बटलर, संजू सैमसन, रियान पराग, ध्रुव जुड़ल है, सिमरन हेटमायर, रॉयन पॉल, रविंद्रन, अश्विन, युजवेंद्र चहल, संदीप शर्मा और ट्रेंट बोल्ट। वहीं अगर इंपैक्ट प्लेयर में बात करें जो केशव महाराज है, अवेश खान है, कुलदीप सेन है, नदीर सैनी, कोलर कैडमोर है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए जो कि संजू सैमसन, रियान पराग, यूजी चहल है। अगर बात कर दो दूसरी टीम यानी दिल्ली कैपिटल्स का शॉट एनालिसिस करेंगे, जहां पर टीम शुरुआती हार के बाद हालांकि पिछले कुछ मैचों में अच्छा कमबैक है, टीम अब तक 11 मैच खेले जिसमें से 5 मैच में ही जीत हासिल की, टीम टॉप 6 में स्टेबल है। लास्ट गेम में टीम कोलकाता से हार गई थी। टॉप ऑर्डर में जहाँ पर जैक फ्रेशर के साथ पृथ्वी शॉ स्टार्ट करें, जैक फ्रेशर के स्ट्राइक रेट 250 के पार है। नंबर 3 पर बात करें जो कि अभिषेक पोरेल और नंबर 4 पर साई होप उतर रहे हैं, टीम इस मैच में मिचेल मार्स को मौका दे सकते हैं। वहीं कप्तान ऋषभ पंत जो कि बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं, 398 रन के साथ वो टीम के लीडिंग रन स्कोरर भी है। वहीं पर लो ऑर्डर में जहाँ पर टिस्टन स्टब जो कि हार्ड हिटिंग करते हैं, बॉलिंग में जहाँ पर लिजार्ड विलियम्स जो कि चांस मिला था उन्होंने बस 1 ही विकेट लिए थे, वहीं पर कुलदीप यादव जो टीम के ट्रंप कार्ड है उन्होंने अब तक 12 विकेट ले चुके हैं। वहीं पर मुकेश कुमार ने भी 7 मैच में 13 विकेट लिए हैं, जहाँ पे खलीद अहमद ने अब तक के परफॉर्मेंस को सबको प्रभावित किया है। वहीं पे अक्षर पटेल और राशिक सलीम जो कि ब्रेक थ्रू दिला रहे हैं। अब बात करते हैं दिल्ली का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि जैक फ्रेशर है, अभिषेक पोरल है, साई होप है,
क्रिश्चियन स्टफ है, ऋषभ पंत है, अक्षर पटेल है, कुलदीप यादव है, रसिक सलीम है, मुकेश कुमार, खलील अहमद है, लिजार्ड विलियमसन है। वहीं अगर इंपैक्ट प्लेयर में बात करेंगे जो कि पृथ्वी शॉ है, यश धूल है, परमीन दुबे है, कुशाग्रा और रिक्की बोई है। वहाँ अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जो कि क्रिश्चियन स्टफ है, ऋषभ पंत है और कुलदीप यादव है। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज़ पर डिस्कशन कर ली, तो आगे बात करते हैं, चलते हैं इनके विनर की ओर। तो यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग मैच विनर दिल्ली कैपिटल्स होगा, यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स को हार मिल सकते। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में बताएंगे हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।